सो फ्रेंड्स, हम लोग इंश्योरेंस पढ़ रहे थे, इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में, और इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है री इंश्योरेंस। ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कभी कभी इसका सिर्फ अकेला शॉर्ट नोट आता रहता है। तो अगर ये टेक्निकली आपको इस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो हम समझते हैं री इंश्योरेंस होता क्या है। सपोज कर लीजिए एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है और उस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने जो अंबानी साहब हैं, मुकेश अंबानी जी हैं, उनके घर का इंश्योरेंस किया है। उसका नाम क्या है? मुकेश अंबानी जी के घर का नाम क्या है? उसका नाम है एन टिली टीलिया। ठीक है जी, आप लोगों को पता होगा। और उसकी जो वैल्यू है वो है 10,000 करोड़। नेशनल इंश्योरेंस ने जाके इसका इंश्योरेंस किया। अब नेशनल इंश्योरेंस को पता है कि भाई अगर कल के दिन कुछ हो गया, भूकंप भूकंप आ गया, तो मैं 10,000 करोड़ का क्लेम दूंगा तो मेरी तो बैंक बंद हो जाएगी। तो फिर इन्होंने क्या किया, ये एक रिस्क है, ये एक टोटल प्रॉपर्टी है, इन्होंने इनसे तो 100% ले लिया, लेकिन बैक टू बैक इन्होंने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से इसकी 60% रिस्क को री इंश्योरेंस करा लिया। मतलब ओरिएंटल इंश्योरेंस से एंटीलिया का 60% इंश्योरेंस करा लिया। तो अगर कल के दिन मुकेश अंबानी जी का घर गिरता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो जो भी क्लेम होगा उसका 60% इन्हें क्लेम मिलेगा। किससे मिलेगा क्लेम? ओरिएंटल बैंक से इन्हें क्लेम मिलेगा और ये फिर इनको 100% क्लेम पे करेंगे। तो यहां पर तीन बंदे हो गए, एक हो गया इंश्योरर, एक हो गया इंश्योरेंस कंपनी और एक हो गया री इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरर क्या करेगा? प्रीमियम पे करेगा टू इंश्योरेंस, ठीक है ना। इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा? ये प्रीमियम रिसीव्ड करेगा फ्रॉम इंश्योरर, फिर इसके बाद ये प्रीमियम पे करेगा टू री इंश्योरर को, ठीक है ना। और ये प्रीमियम रिसीव्ड करेंगे फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ तक क्लियर है ना? जो भी इनकी है, इन केस ऑफ क्लेम, क्लेम के केस में ये क्लेम पे करेंगे टू
इंश्योरेंस कंपनी, ये पहले क्लेम रिसीव करेंगे फ्रॉम रीइंश्योरर, रीइंश्योरेंस कंपनी से। सपोज करो इन्होंने 60% की रीइंश्योरेंस करा ली है, तो 60% ये क्लेम पे करेंगे, तो इन्हें 60% क्लेम रिसीव होगा। नंबर टू, फिर ये 100% क्लेम पे करेंगे टू इंश्योरर, और ये 100% क्लेम रिसीव करेंगे किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। सो अब यहां पर दो कैटेगरी बनी, एक जो मैंने रीइंश्योरेंस कराया और दूसरा जो मैंने रीइंश्योरेंस कराया है, तो उस रीइंश्योरेंस का मुझे क्लेम का बेनिफिट होगा। क्लियर है ना? तो जैसे मैंने ओरिएंटल बैंक का, ओरिएंटल इंश्योरेंस से रीइंश्योरेंस कराया, कुछ कंपनियां मुझसे भी तो रीइंश्योरेंस करा सकती है ना, कि नहीं करा सकती है? करा सकती है। तो जो मुझसे रीइंश्योरेंस कराएंगे उनके लिए बुक्स मैं कैसे ट्रीटमेंट करूँगा वो समझ रहा है। चलिए अभी मैं समझाता हूँ आपको, वेट करिए थोड़ा सा। सो इफ वी एक्सेप्ट, या वी की जगह इंश्योरेंस कंपनी कह दें, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट रीइंश्योरेंस, जब इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करती है रीइंश्योरेंस को, तो ये कहलाता है, इसका प्रीमियम जो रिसीव होता है उसको कहते हैं प्रीमियम ऑन रीइंश्योरेंस एक्सेप्टेड। ऐसे ही इफ इंश्योरेंस कंपनी टेक रीइंश्योरेंस, दूसरी रीइंश्योरेंस लेती है, तो जो प्रीमियम पे करती है वो कहलाता है प्रीमियम पेड ऑन रीइंश्योरेंस सीडेड। ये दोनों वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, यह है रीइंश्योरेंस एक्सेप्टेड और यह है रीइंश्योरेंस सीडेड। एक्सेप्टेड उसकी एक तरह से इनकम है और रीइंश्योरेंस सीडेड उसकी एक्सपेंडिचर है। सिमिलरली जब क्लेम की बात आती है, तो क्लेम में भी हम क्लेम पेड ऑन रीइंश्योरेंसेस एक्सेप्टेड, एक ही आएगा, ये हमारा क्या होगा एक्सपेंडिचर, और क्लेम रिसीव्ड होगा ऑन रीइंश्योरेंस सीडेड, ये हमारा इनकम होगा। तो अब इसमें आएंगे, ये कहलाएगा रीइंश्योरेंसेस एक्सेप्टेड इनकी बुक्स में, और ये भी है रीइंश्योरेंसेस एक्सेप्टेड, और ये है रीइंश्योरेंसेस सीडेड। तो ये है रीइंश्योरेंसेस सीडेड। जिस कंपनी ने रीइंश्योरेंस एक्सेप्ट किया है उनको जो प्रीमियम मिल रहा है वो उनकी इनकम है, और जो वो प्रीमियम पे क्लेम पे कर रहे हैं रीइंश्योरेंस पे एक्सेप्ट करने पे, वो उनका एक्सपेंडिचर है। जिस कंपनी ने रीइंश्योरेंस कराया है जब वो प्रीमियम पे करते हैं तो वो सीडेड का प्रीमियम पे करते हैं, और जब उन्हें क्लेम मिलता है तो वो सीडेड का
क्लेम मिलता है। मतलब अगर मैं किसी कंपनी का री इंश्योरेंस ले रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो मेरी एक्सेप्टेंस है, और अगर मैं अपनी रिस्क को किसी दूसरी कंपनी से री इंश्योरेंस करवा रहा हूँ तो वो री इंश्योरेंस सीडेड है। बच्चे इस वर्ड में बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसको बहुत स्पेसिफिकली समझा रहा हूँ। बाकी क्लैरिटी आपको क्वेश्चंस करने से आई, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है क्वेश्चन कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच।